नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा हमने कल एक्सरसाइज 6 पूरी कर ली है, उसके लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। वो आप कोशिश करना, जो मैंने पहले करवाए हैं सेम वैसे ही हैं, फिर भी अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं करवा दूँगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं वो। आज हम नई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज आपका है 7 और नाम आपका है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। देखिएगा अगर आपने एक्सरसाइज 6 अच्छे से की है तभी ये समझ में आएगा, ध्यान देना भाई। और फिर भी मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ कि जो फार्मूले इसमें यूज़ होंगे। अब देखिए, पिछली कक्षाओं में मैंने बताया कि त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या 6 होती है। त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या कितनी होती है? 6, जिसमें से नंबर 1 पे आता है आपका साइन थीटा, नंबर 2 पे आता है आपका कोस थीटा, नंबर 3 पे आपका आता है टेन थीटा, नंबर 4 पे आपका आता है कोट थीटा, नंबर 5 पे आपका आता है सेक थीटा और नंबर 6 पे आपका आता है कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या 6 होती है, जहां नंबर 1 पे आपका है साइन थीटा, सेकंड पे आपका कोस थीटा, थर्ड पे आपका है टेन थीटा, फोर्थ पे आपका है कोट थीटा, फिफ्थ पे आपका है सेक थीटा और सिक्स्थ पे आपका क्या है? कोसेक थीटा। अब देखिए, साइन थीटा बराबर किसके होता है? 1/2 कोसेक थीटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो कोसेक थीटा किसके बराबर होगा भाई? 1/2 साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा को कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट कितना आता है? 1 आता है। देखिए, साइन थीटा है वो बराबर है 1/2 कोसेक थीटा के, और कोसेक थीटा बराबर है 1/2 साइन थीटा के, और अगर मैं साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा कर दूं तो आपका रिजल्ट कितना आता है? 1। इसी प्रकार आपका दूसरा, देखिए ये फर्स्ट, दूसरा देखिएगा कि कोस थीटा किसके बराबर है भाई? 1/2 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर है 1/2 कोस थीटा, और अगर मैं सेक थीटा को कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। कोस थीटा किसके बराबर होता है? 1/2 सेक थीटा, और सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1/2 कोस थीटा। अगर मैं सेक थीटा को कोस थीटा से गुणा कर दूं तो रिजल्ट कितना आता है? 1। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है, टेन थीटा बराबर होगा 1/2 कोट थीटा के। पिछली एक्सरसाइज में मैं ये डिटेल से बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिविज़न कर लेना भाई। टेन थीटा बराबर है 1/2 कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर है 1/2 टेन थीटा। अगर मैं कोट थीटा को टेन थीटा से गुणा करूं तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 1। यहां तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इससे अगला मैंने एक और बताया था आपको कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा 1/2 कोस थीटा। इन फार्मूलों का हम बार बार प्रयोग करेंगे इस एक्सरसाइज में। और कोट थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा 1/2 साइन थीटा। अब देखिए, त्रिकोणमिति अनुपातों की बात की जाए तो त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या होती है 6। पहला आपका साइन थीटा है साइन थीटा, दूसरा आपका कोस थीटा है, तीसरा आपका टेन थीटा है, चौथा आपका कोट थीटा है, पांचवा आपका सेक थीटा है, और छठा आपका कौन सा है? कोसेक थीटा। अब देखिए, साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1/2 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1/2 साइन थीटा। इसलिए साइन थीटा को अगर मैं कोसेक थीटा से गुणा करूँ तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। इसी प्रकार कोस थीटा आपका बराबर होता है 1/2 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/2
कोस थीटा। अब मैं सेक थीटा को कोस थीटा से गुणा करूँगा तो रिजल्ट कितना आएगा, एक। इन सर्व समीकरणों का हम बार बार प्रयोग करेंगे भाई। तीसरा देखिए, टैन थीटा बराबर है एक बटे में कोट थीटा, और तो कोट थीटा किसके बराबर होगा, एक बटे टैन थीटा के। अगर मैं कोट थीटा को टैन थीटा से गुणा करूँ तो रिजल्ट कितना आएगा, एक। इसी प्रकार एक और फार्मूला था आपका कि टैन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो कोट थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। यहाँ तक तो हम कर चुके थे। इसके बाद देखिएगा, कुछ त्रिकोणमिति सर्व समीकरण हैं, इनको देखते हैं हम। अपना पहला है साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा। इनको याद रखना जरूरी है भाई। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा बराबर कितना है, एक। कभी भी आपको साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा दिखाई दे और क्वेश्चन में हम हल करेंगे तो उनकी जगह हमें क्या रखना है, एक। अगर साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा बराबर आपका कितना है, एक है, तो मुझे बताएं साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए ये इधर वाली साइड चला गया तो इधर प्लस है, इधर आते ही क्या हो गया, माइनस, क्योंकि आप जानते हो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इधर वाली आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, इधर गुणा तो इधर भाग, और इधर आपका भाग है तो इधर आते ही क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ प्लस है, इधर आते ही क्या हो गया, माइनस। तो एक माइनस क्या आ गया, कोस स्केयर थीटा। इसी प्रकार अगर मैं साइन थीटा स्केयर हटा दूं तो इधर वाली साइड क्या चला जाएगा, अंडर रूट। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, अंडर रूट एक माइनस कोस स्केयर थीटा। बेटा बताएं साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान कितना होता है, एक। तो साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, एक माइनस कोस स्केयर थीटा के, और तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, एक माइनस कोस स्केयर थीटा का अंडर रूट। इन सरल समीकरणों का हम बार बार प्रयोग करेंगे। सेकंड इसी प्रकार मुझे बताएं कि कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होगा, कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू होता है, इस साइन को इधर ले आऊं भी प्लस से, क्या हो गया, माइनस, एक माइनस साइन स्केयर थीटा। तो कोस थीटा किसके इक्वल आ गया भाई, अंडर रूट एक माइनस साइन स्केयर थीटा। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा इनका, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पहली सर्व समीका क्या है, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान कितना है, एक। अगर यहाँ मैं साइन स्केयर रखूँ, इधर जाते ही ये माइनस का हो गया, तो एक माइनस कोस स्केयर थीटा। अगर मैंने स्केयर हटाया तो यहाँ क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक माइनस कोस स्केयर थीटा। इसी प्रकार आपका कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल आ गया, एक माइनस साइन स्केयर थीटा, और कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट एक माइनस साइन स्केयर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है। इसके बाद देखिएगा बेटा, अपना अगला है सर्व समीकरण नंबर दो, सेक स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा का मान कितना होता है, एक। सेक स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, एक। तो मुझे बताएं sec स्केयर थीटा किसके बराबर होगा, एक प्लस में tan स्केयर थीटा। और अगर मैं यहाँ tan स्केयर थीटा की बात करूँ, tan स्केयर थीटा किसके इक्वल होगा, इसको इधर ले गया तो sec स्केयर थीटा तो अपनी जगह ही है, इसको इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया, माइनस। आपकी दूसरी सर्व समीका है sec स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा बराबर कितना है, एक। और तो sec स्केयर थीटा किसके बराबर आ गया, इस टेन को इधर ले गया मैं तो माइनस से क्या हो गया, प्लस। तो sec स्केयर थीटा बराबर आ गया एक प्लस टेन स्केयर थीटा। और आप देखिए टेन स्केयर थीटा किसके बराबर आ गया, इसको इधर ले गया तो ये एक प्लस से क्या हो गया, माइनस। तो sec स्केयर थीटा माइनस का एक। शायद तक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी दूसरी सर्व समीका है। तीसरी देखिएगा क्या बच गया, यहाँ एक तो कोसेक बच गया और एक क्या बच गया, कोट। तो तीसरी सर्व समीका देखिएगा, कोसेक स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा
का मान कितना होता है? एक। कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा का मान कितना होता है? एक। तो कोसेक स्क्वेयर थीटा बराबर क्या आ गया बेटा? एक प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। ये सर्वसमिका और बन गई इससे। इसका रिजल्ट आया कि नहीं कि कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा किसके बराबर है? एक के बराबर है। तो कोसेक स्क्वेयर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? एक प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा शायद तक। यहाँ ये मैं करवा चुका हूँ, मैंने एक बार फिर से रिपीट करवा दिया है। इनको आप अच्छे से लिखना नोट्स में और याद भी करना, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज 7 है वो इन्हीं के बेसिस पे है। और मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। कितने नंबर का भाई? 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, इसलिए अच्छे से करना भी इसको। अब देखिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7.1। आप देखिएगा, मैं एक बार फिर से सर्वसमिका यहाँ लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 7.1 सर्वसमिका लिखता हूँ। पहली, साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा का मान होता है एक। दूसरी आपकी है, दूसरी शाबाश आपकी पहली है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, इसका मान कितना होता है? एक। और बेटा आपकी दूसरी है सेक स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा, इसका भी मान कितना होता है? एक। और तीसरा आपका बच गया क्या भाई? कोसेक स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा, इसका भी मान कितना होता है? एक। ये आपकी तीनों सरल समीकरण हैं, और कुछ फार्मूलों का भी प्रयोग करेंगे, जैसे कि आप कर चुके हो ये ए प्लस बी की होल स्केयर किसके बराबर होता है? ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। इससे अगला आपका है ए माइनस बी की होल स्केयर, ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। और अगला आपका है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके बाद अगला क्या है भाई? ए प्लस बी की होल क्यूब, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस तीन ए स्केयर बी प्लस तीन ए बी स्केयर। यहाँ तीन ए बी मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, एक ही बात है वो। इसके बाद अगला आपका है ए माइनस बी की होल क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस तीन ए स्केयर बी प्लस तीन ए बी स्केयर। और इससे अगला फार्मूला आपका है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब होगा आपका ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। और अगला आपका है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब ए माइनस बी इजिकल टू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। बेटा इनको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जितने भी आपके त्रिकोणमिति अनुपात है, जितने भी सर्वसमीकाएँ हैं, इन फार्मूलों का भी हम बार बार प्रयोग करेंगे। इनको भी आप याद रखना, थोड़ा अच्छे से याद करना भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके ये फार्मूले कंप्लीट है, आपकी सर्वसमीकाएँ कंप्लीट है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी लगेगी। देखिएगा, इसका मैं पहला ही क्वेश्चन करवाता हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसी का पहला क्वेश्चन ही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका पहला क्वेश्चन है कि थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, अब मुझे बताएं थीटा के, आपका कोण थीटा है, उसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है? 6। उन सब को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। मतलब पहले तो प्रश्न समझिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। नंबर एक साइन थीटा, नंबर दो कोस थीटा, नंबर तीन टेन थीटा, नंबर चार आपका है कोट थीटा, पांच सेक तो है ही है, नंबर छह कौन सा होता है? कोसेक थीटा। बेटा इन सब को
मतलब कि किस में व्यक्त करना है, sec थीटा में, मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये आना चाहिए और राइट हैंड साइड में इसको सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, sec थीटा। पहला प्रश्न आपका ये है कि कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। मींस बेटा आपका sin थीटा को किस में व्यक्त करना है, sec थीटा में। cos को किस में करना है, sec में। tan थीटा को किस में करना है, sec थीटा में। cot थीटा को किस में चेंज करना है, sec थीटा में। cosec थीटा को किस में चेंज करना है, sec थीटा में। अब देखिए, क्योंकि sec तो sec ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं सबसे पहले चेंज करता हूं। नंबर एक क्या आता है बेटा आपका, साइन थीटा। साइन थीटा को चेंज किस में करना है, किन पदों में व्यक्त करना है, सेक थीटा में। मतलब बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा आना चाहिए, साइन थीटा है वो सेक थीटा में किसके इक्वल आता है, ये क्वेश्चन आपका। देखिए पहले साइन को किस में व्यक्त करना है, सेक में, तो इन सरल समीकरणों का प्रयोग करेंगे। देखिएगा बेटा ऐसे इन तीनों सरल समीकरण में देखिए, सबसे पहले तो इधर आपका साइन हो, इधर आपका क्या हो, सेक हो। अब देखो पहली सरल समीकरण देखो, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक। अब बोलो कोस है ना, कोस, कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, और यहाँ क्या है, साइन। तो ये वाला प्रश्न है जो आपका पहला और दूसरा प्रश्न एक जैसा है, तो इन सरल समीकरणों का प्रयोग करेंगे। पीछे मैं कुछ फार्मूले करवा चुका हूँ, देखिएगा वो अच्छे तरीके से याद कीजिए आप। पहली सरल समीकरण देखिए क्या है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा बराबर कितना है बेटा, एक। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन स्केयर थीटा बराबर है एक माइनस कोस स्केयर थीटा। साइन स्केयर थीटा किसके बराबर है, एक माइनस कोस स्केयर थीटा के। अब देखिएगा अपने को तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने को साइन मिल गया, स्केयर है, इसको सोल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, सेक आना चाहिए। देखिए यहाँ तो साइन का साइन रहेगा, सेक चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए चाहे रूट में आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साइन के इक्वल होगा। अब देखो साइन थीटा को किस में चेंज करना है, सेक में, तो हमने सर्व समीका का प्रयोग किया, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके बराबर है, एक के बराबर है। बेटा मैं इसको इधर ले गया तो कोस आपका माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। अब सॉरी प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया, तो आपका आ गया साइन स्केयर थीटा बराबर है एक माइनस कोस स्केयर थीटा। बट अपने को तो कोस थोड़ी चाहिए, अपने को क्या चाहिए भाई, सेक चाहिए। तो देखिए ये वाला आपका सेम रहेगा, साइन स्केयर थीटा। अब देखिए अपने को तो राइट हैंड साइड में तो कोस नहीं, क्या चाहिए, सेक चाहिए। तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एक माइनस कोस स्केयर थीटा है ना, तो यहाँ लिख दिया मैंने एक पटे में सेक स्केयर थीटा, क्योंकि मैंने अभी आपको करवाया था कि कोस थीटा है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ एक बार फिर से कि साइन थीटा तो बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा के, तो कोसेक किसका, एक बटे साइन, और कोस थीटा बराबर होता है एक बटे में सेक थीटा, तो सेक थीटा किसके बराबर, एक बटे कोस थीटा। और तीसरा आपका टेन थीटा बराबर होता है एक बटे कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा हो गया। अब देखो क्योंकि अपने को राइट हैंड साइड में बेटा सेक थीटा चाहिए, तो यहाँ मैंने कोस की जगह क्या चेंज कर दिया, सेक, और यहाँ स्केयर है तो यहाँ भी क्या रख दिया, स्केयर। शायद तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अपना है साइन स्केयर थीटा बराबर, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक बटे एक माइनस का एक बटे में सेक स्केयर थीटा। ध्यान से समझिएगा, अब आप मुझे बताएं लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका साइन स्केयर थीटा ही चल रहा है, और राइट हैंड साइड में मुझे बताएं इनका एलसीएम क्या आ गया,
इनका बेटा एलसीएम आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा, एलसीएम आया आपका सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा को एक से भाग दिया सेक्स स्क्वायर आ गया, सेक्स स्क्वायर को एक से गुणा किया तो कितना आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा। साइन किसका है भाई, माइनस का। सेक्स स्क्वायर थीटा को सेक्स स्क्वायर थीटा से भाग दिया एक, एक को एक से गुणा किया कितना आ गया एक। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, सिर्फ मैंने इनका एलसीएम लिया है जो कि क्या आया सेक्स स्क्वायर थीटा, और यहाँ एक को सेक्स स्क्वायर थीटा से भाग दिया तो आपका सेक्स स्क्वायर थीटा है, और सेक्स स्क्वायर थीटा को एक से गुणा किया तो आपका क्या आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा। साइन बीच में किसका है, माइनस का। सेक्स स्क्वायर थीटा को सेक्स स्क्वायर थीटा से भाग दिया एक आ गया, एक को एक से गुणा किया आपका आया कितना एक। उसके बाद देखिए, देखिए थोड़ा सा प्रश्न डिफिकल्ट है, फिर भी बेटा ध्यान से समझोगे ना तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये आ गया, अगर मैं यहां स्क्वायर हटा दूं, ये स्क्वायर हटा दिया तो ये किस में चला गया अंडर रूट में, तो आपका आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस का वन बटे में अंडर रूट में क्या है ये, इधर वाली साइड मैंने स्क्वायर हटा दिया इधर अंडर रूट आ गया, रूट आ गया तो sec स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, sec स्क्वायर थीटा का मतलब sec कितनी बार है बेटा दो बार। शायद तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिएगा इधर तो आपका साइन थीटा है, यहाँ देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये तो रह जाएगा ऐसा कैसा, क्योंकि रूट में है तो रूट में ही रहेगा बेटा, और आप जानते हो यहाँ एक जोड़ा बन गया sec थीटा इंटू sec थीटा का, और जोड़ा बन गया बाहर आते ही क्या रह गया अकेला, जिस प्रकार हम करते हैं ना चार का करते हैं दो इंटू दो, एक जोड़ा बन गया बाहर आते ही दो बच गया, तो यहाँ ये एक जोड़ा बन गया बाहर आते ही क्या बच गया sec थीटा। तो आपका पहला आंसर ये है, अपने को साइन थीटा को मैंने के पदों में चेंज कर दिया sec थीटा के पदों में चेंज कर दिया, साइन थीटा को किस पद में चेंज कर दिया sec थीटा के। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन का अंडर रूट बटे में sec थीटा। इसी प्रकार अब देख आप मुझे बताएं साइन को चेंज कर दिया, अब दूसरा मेरे को ये बताएं आप कि कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, साथ साथ में लेके चलेंगे, कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटे साइन थीटा। अब बेटा साइन थीटा बराबर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बटे में कोस थीटा है, तो कोसेक थीटा किसका हो जाएगा एक बटे साइन थीटा के बराबर, मतलब इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो आपका आ गया कोसेक थीटा किसके बराबर आ गया, कोसेक थीटा बराबर आ गया इसका उल्टा, क्या भाई sec थीटा बटे में अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस का एक, क्योंकि sin थीटा तो आपका अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस वन बटे में sec है ना, तो cosec sin का उल्टा होता है, तो इसका जो ये नीचे आ गया और ये क्या आ गया ऊपर। अब देखो आपका sin आ गया cosec आ गया, तीसरा देखिएगा cos थीटा, तीसरा आपका है कोस थीटा, कोस थीटा तो सीधी सी बात है किसका ही उल्टा होता है सेक थीटा का, तीसरा आपका कोस थीटा किसके इक्वल आ गया एक बटे में सेक, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोस, लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक, लेफ्ट हैंड साइड में साइन, इनको मैंने किस पदों में चेंज किया है सेक के पदों में, यहाँ भी सारे सेक आ रहे हैं, यहाँ भी सारे सेक हैं, यहाँ भी सारे सेक हैं। अब आपका बच गया टेन और कोट, अब टेन और कोट में आप जल्दी से देखिएगा, टेन ये देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब sec भी आ गया और टेन भी आ गया, बेटा सीधी सी बात है मैंने अभी करवाया टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस का वन, अभी करवाया था ना, मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ, देखिए कि sec स्क्वायर थीटा, या मैं ऐसे लिख दूँ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर ले गया तो माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया ना, तो मुझे बताएं कि टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया
टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू आ गया sec स्क्वेयर थीटा माइनस का वन, इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया माइनस। तो मुझे बताएं tan थीटा किसके इक्वल आ गया, स्क्वेयर टा दूं किस में चला जाएगा बेटा अंडर रूट में, sec स्क्वेयर थीटा माइनस वन। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में tan और राइट हैंड साइड में क्या है sec, मैंने tan को भी sec में चेंज कर दिया। और नेक्स्ट वाला देखना आप, अच्छा इसके बटा में एक है, एक बटा में लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब बोलो tan, tan उल्टा किसका होता है cot का, cot किसका उल्टा होता है tan का, तो cot थीटा किसके बराबर होगा एक बटा में tan थीटा। और बेटा tan थीटा की वैल्यू कितनी है, एक बटा में अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस का वन। अब देखिए, अब मुझे बताएं साइन को मैंने sec में चेंज किया कि नहीं, कोस को मैंने sec में किया कि नहीं, साइन का उल्टा क्या होता है cosec, cosec को भी मैंने sec में किया कि नहीं, इसी प्रकार tan को भी मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में तो tan है, राइट हैंड साइड में क्या आ गया sec आ गया कि नहीं। तो बेटा ध्यान रखना, हमेशा आप ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड में तो ये यही रहेंगे, राइट हैंड साइड में sec चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का आए चाहे रूट में आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन को sec के पदों में चेंज करना है। अब देखिए साइन तक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, क्लासरूम में भी दिक्कत आती है, इसलिए ऑनलाइन आपको जब तक समझ में नहीं आए बार बार इनको देखना, आप कन्फर्म आएगा, बट आएगा तब जब ये फार्मूले आप अच्छे से करोगे। ये तीनों सर्वसमीकाएँ, ये जो आपको मैंने एक्सरसाइज सिक्स में जो भी करवाया है वो, इसके अलावा ये फार्मूले हम बार बार यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में, और इसके अलावा अगर आपको ये फार्मूले अच्छे से आते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा, और दूसरा क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, इसका इसका दूसरा क्वेश्चन खुद कीजिएगा, और आपकी एक्सरसाइज सिक्स के विविध प्रश्न वाला में लास्ट के तीन प्रश्न बचे हैं बेटा, बिल्कुल इजी से हैं, आप खुद कीजिएगा। थैंक यू, और कल करेंगे, और फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, बट आपको ये तो अच्छे से करना ही पड़ेगा। थैंक यू।